इश्क दी गली विच नो एंट्री। बॉलीवुड का ये सुपरहिट सॉन्ग सुनने के बाद शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसके जहन में फिल्म नो एंट्री का नाम ना आया हो, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म होने के साथ दर्शकों का खूब दिल जीती हुई नजर आई थी और इसी के चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई भी की थी, जिसके बाद से ही दर्शक इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आप एक बार फिर इस फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, खबरों के मुताबिक हमें जल्दी फिल्म नो एंट्री रिटर्न देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म नो एंट्री रिटर्न के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी। तो अगर आप भी फिल्म नो एंट्री रिटर्न से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2005 में बड़े पर्दे पर प्रसारित हुई फिल्म नो एंट्री एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनाया गया था। ये फिल्म शेखर यानी कि सनी बने फरदीन खान, प्रेम बने सलमान खान और किशन बने अनिल कपूर की जीवन रेखा पर आधारित थी, जहां प्रेम की पत्नी पूजा बनी ईशा द्विल प्रेम पर हद से ज्यादा विश्वास करती है, तो वही किशन की पत्नी काजल बनी लारा दत्ता किशन पर जरूरत से ज्यादा शक करती है। बस यही थी फिल्म की कहानी, जिसने अपनी कॉमेडी के साथ साथ अपने रोमांटिक अंदाज से कई दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। साथ ही फिल्म में फरदीन खान, सलमान खान और अनिल कपूर के अलावा ईशा देओल और लारा दत्ता के किरदार को भी बेहद ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से ही दर्शक के बीच इस फिल्म के सीक्वल को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपका ये इंतजार यही खत्म होता है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर अनीस बज्मी जल्दी फिल्म नो एंट्री में रिटर्न के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं, जो कि पिछली बार की तरह एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी और इससे भी कॉमेडी से भरपूर बनाया जाएगा। साथ ही फिल्म में एक्शन का भी डबल डोज देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप भी ये फिल्म देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो फिल्म में पहले की तरह इस बार भी मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनेता अनिल कपूर, फरदीन खान और सलमान खान की रिपीट किया जाएगा, लेकिन इस बार उनका किरदार पहले से भी काफी ज्यादा कॉमेडी से भरपूर होने वाला है। साथ ही फिल्म में अजय देवगन की एंट्री भी होने वाली है, जो कि फिल्म में एक रोमांटिक हीरो के साथ साथ एक्शन हीरो की भूमिका भी अदा करेंगे। वहीं फिल्म में इनका साथ देंगी अभिनेत्री काजल अग्रवाल, श्रद्धा कपूर और नौरा फतेही। जी हाँ, फिल्म में काजल अग्रवाल, नौरा फतेही और श्रद्धा कपूर भी नजर आने वाली है, लेकिन फिल्म में किस अभिनेत्री को किस अभिनेता के साथ रोमांस करते हुए देखा जाएगा, इस बात की अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है और ना ही इनमें से किसी कलाकार ने फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भरी है। लेकिन जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तब से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप नो एंट्री रिटर्न मूवी में किस अभिनेता के साथ किस अभिनेत्री की जोड़ी देखना पसंद करेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।